गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू अवर मैथ सेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट में प्रैक्टिस शीट दी है वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 173। ओके, फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर। 8000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 5 इज रिटर्न एज, हम कैसे लिखेंगे, 1000, 100, टेंस एंड वंस, दिस इज करेक्ट। ओके, द नंबर विथ 8 वंस, 2000, 7 टेंस एंड 900 इज, अब देखो 8 वंस, वंस प्लेस पे 8 कौन से नंबर के है, नंबर पे है, इस नंबर पे, मींस यही करेक्ट होगा। 2000 प्लेस पे है, 7 टेंस प्लेस पे और 900 प्लेस पे है, मतलब इट इज करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट, द मिसिंग डिजिट इन द गिवन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम आर, अब देखो यहाँ पे मिसिंग डिजिट हमें ढूंढने हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वंस प्लेस का सब्ट्रैक्शन हम पहले करते हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो आंसर 7 आएगा, 5 से बड़ा नंबर तो यहाँ पे नहीं है वंस प्लेस पे। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, सपोज यहाँ पे अगर हम 2 लिया, मतलब क्या हो जाएगा, 2 से 5 जाएगा नहीं, सो हम क्या लेंगे, 110 इधर से बोरो करेंगे। ओके, सो 12 हो जाएंगे, सो 7। ओके, अब देखो ये 5 टेंस में से 6 तो नहीं जाते हैं, इसलिए हमें 110 इधर से क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, सॉरी 100 इधर से बोरो करना पड़ेगा। ओके, सो 100 प्लस पे हमें क्या डालना है, यहाँ पे 2 आ गया, मीन्स 100 प्लस पे क्या होगा, 3 होगा। ओके, सो 3 में से हमने 100 ले लिया, सो 15 में से 6 गए तो 9 बचते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 बचते हैं, मतलब दिस आंसर इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट, दिस नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स डैश डैश, ये देखो ये नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, 4 स्टेप्स आगे गए हैं, 1, 2, 3, 4, और कितने कितने स्टेप्स, कितने कितने यूनिट्स आगे गए हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, 3 मीन्स 4 × 3, 12। विच नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स 12 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो स्टूडेंट्स, डिवीजन में हम क्या करते हैं, उतने स्टेप्स क्या जाते हैं, बैकवर्ड जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे कितनी स्टेप्स हमें बैकवर्ड जाना है, 3 स्टेप्स। ओके, सो ये देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12 से हम बैकवर्ड जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप्स दिए। ओके, 1, 2, 1, 2, लाइक दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। देन नेक्स्ट, मोहन्स फादर गेव हिम रुपीज 540 एंड हिज मदर गेव हिम रुपीज 1785, ही स्पेंट रुपीज 280, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, उसके फादर ने उसे कितने रुपीज दिए, 540, मदर ने दिए 1785, तो टोटल कितने हुए ये हमें निकालना है। ओके, टोटल हुए 2325, ही स्पेंट और उसने कितने रुपीज स्पेंट किए, 280, तो इसमें से 280 माइनस करना है, जो आंसर आए वो आपको निकालना है। ओके, देन नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग डिजिट इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इसमें मिसिंग डिजिट हमें ढूंढना है, सो एडिशन है, लेट्स स्टार्ट, 9 + 9, 18, सो यहाँ पे क्या आएगा, 18 में 18 वंस हास, 8 वंस एंड 110, सो वी हैव टू राइट 8 वंस इन वंस कॉलम एंड 110 कैरी ओवर। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 टेंस है और ये 110, कितने हुए, 510। अब 510 में ऐसा कौन सा नंबर मिलाएगा जो यहाँ पे 3 लाएगा, 8, अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं तो 110 प्लस 8 टेंस 910, 9 टेंस प्लस 4 टेंस कितने हुए, 13 टेंस हुए, सो 13 टेंस में से हम 3 यहाँ पे लिखेंगे और 1 क्या करेंगे, कैरी ओवर करेंगे। ओके, सो 5 + 1, 6, 6 + 8, 14, देन अगेन 1 कैरी ओवर। ओके, सो 3000 + 1000, 4000, और 4000 में हम कितने मिलाएंगे तो 8 आएंगे, 4 मिलाएंगे तो 4000 में 4000 मिलाएंगे तो 8000 आएंगे। ओके, सो ऐसे हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, देन यहाँ पे 6 है, सो 3 से हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आ सकता है, यस 2, 3 × 2 = 6, देन 3 × 6 = 18, सो 18 में से 8 यहाँ पे लिखा है, 1 हम कैरी ओवर करेंगे, देन 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7, देन नेक्स्ट, देयर आर 18 पेंसिल्स इन अ पैकेट,
हाउ मेनी पेंसिल्स विल बी देयर इन 30 सच पॉकेट्स? अगर 30 पॉकेट्स है और हर एक में 18 है तो 30 पॉकेट्स में कितनी होंगी? ओके, सो ये आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना है. देन नेक्स्ट, फिल इन द बॉक्सेस इन द डिवीजन विद द करेक्ट नंबर. ये डिवीजन हमें करना है. ओके, सो 7 1 7, सो 8 में से 7 गया, 1 बचा, तो हम यहाँ से नंबर नीचे लाते हैं, मतलब यहाँ पे भी नंबर क्या है, 9 है. ओके, सो हो गया 19. सो यहाँ पे 2 दिया है, मतलब 7 2 14, सो हम यहाँ पे 14 लिखेंगे. 1 में से 1 गया 0, 9 में से 4 गया 5, तो यहाँ से 7 नंबर नीचे आए, मतलब यहाँ पे 7 नंबर है. ओके, सो 57 है, तो 7 के टेबल में 56 कौन से नंबर पे आता है, 7 8 56. ओके, सो 8 हमने यहाँ पे लिखा, सो 7 6 1 5 5 0, कंप्लीटेड. ओके, देन नेक्स्ट पेज, प्रैक्टिस 2, चूज द करेक्ट आंसर. टेक द फिगर दैट इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स. इक्वली कौन सी फिगर ये हुई डिवाइड हुई है, सर्कल. ओके, टेक द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द पैटर्न. अब देखो इसमें आगे कौन से टू नंबर्स आने वाले हैं, सो 12 + 23 क्या आ गए, 23 क्या आ गए, 34. स्टूडेंट्स आप गेस लगा सकते हो कि क्या पैटर्न है. सपोज 12 में अगर हम 11 मिलाते हैं तो कितने होते हैं, 23. 23 में अगर हम 11 मिलाते हैं तो कितने होते हैं, 34. 34 में अगर हम 11 मिलाते हैं तो कितने होते हैं, 45. तो हम 45 में 11 मिलाएंगे, मतलब हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, 5 + 1 6 4 + 1 5. देन 56 में हमें टू नंबर्स निकालने हैं नेक्स्ट, फिर से इसमें अगर 11 मिलाते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, सो नेक्स्ट टू नंबर्स क्या है, 56 एंड 67. ओके, देन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे कम मेजरमेंट छोटा नंबर पहले रहेगा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा. ओके, सो ये 1 मीटर है, 2 सेंटीमीटर, ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं लगेगी क्योंकि सेंटीमीटर मीटर से क्या है, छोटा है, तो छोटा आगे आना चाहिए था, है ना. सो अब यहाँ पे देखते हैं, 4 मीटर 400 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 4 मीटर हो जाएगा, ये भी 4 मीटर हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा, लेकिन इट इज़ करेक्ट. ओके, ये कैसे करेक्ट है, 60 सेंटीमीटर है, बाद में 2 मीटर है. 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यस 100 सेंटीमीटर, मतलब ये 200 सेंटीमीटर हो जाते हैं, मतलब 60 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर, दैट्स वाई इट इज़ करेक्ट, इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर्स. ओके, देन नेक्स्ट, ₹5.85 इज इक्वल टू, इसके कितने पैसे होंगे. ये तो अब देखो, जब हम रुपीस और पैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड का क्या होता है, पैसे होते हैं, 85 पैसे है यहाँ पे. देन जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो फुल रुपीस होते हैं, 5 रुपीस, और 1 रुपीस मीन्स कितने पैसे, 100 पैसे. ओके, मीन्स 5 रुपीस मीन्स कितने पैसे, 5 × 200 500 पैसे, तो ये 500 पैसे और ये 85 पैसे, तो 500 + 85, सो कितने होंगे, 585 पैसे. ओके, देन नेक्स्ट, इफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹20, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क. 1 लीटर का क्या है, कितना है, 20 रुपीज को है, 1 लीटर मिल्क 20 रुपीज को है, तो 5 लीटर मिल्क कितने को होगा, सो 20 × 5, 100 रुपीज को. ओके, देन नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ एजेस फेसेस एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. अब देखो ये क्या है, क्यूब है, क्यूब को कितने एजेस होते हैं स्टूडेंट्स, यस 12 एजेस होते हैं. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो लास्ट जो साइड आपको दिखती नहीं उसके भी काउंट करने हैं, एजेस होते हैं. देन फेसेस कितने होते हैं क्यूब को, 6 फ्लैट फेसेस होते हैं, है ना, 6 फ्लैट फेसेस होते हैं क्यूब को, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये नीचे वाला 5, पीछे वाला 6. ओके, एंड वर्टाइसेस कितने होते हैं, 8. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, देन स्पेयर. सो स्टूडेंट्स स्पेयर को एज होता है क्या, नहीं होता है, नो एजेस और नो वर्टाइसेस, बट 1 कर्व फेस होता है ना, ये 1 कर्व फेस है स्पेयर. ओके, देन नेक्स्ट, कन्वर्ट 4 मीटर 70 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर्स. ये हमें सेंटीमीटर्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. सो आपको ये पहले पता होना चाहिए स्टूडेंट कि 4 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स. ओके, मीन्स 4 मीटर मीन्स कितने होंगे, 400 सेंटीमीटर, 4 को 100 से मल्टीप्लाइड करना है. सो 400 + 70 सेंटीमीटर टोटल कितने होंगे, 470 सेंटीमीटर. ये आपको प्रॉपरली नोटबुक में सॉल्व करना है. देन नेक्स्ट है,
थ्री लीटर 450 मिलीलीटर इंटू मिलीलीटर, ये 3 लीटर हमें पूरे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। ये 450 ऑलरेडी मिलीलीटर दिया है, तो 3 लीटर, 1 लीटर मीन्स क्या, 1000 मिलीलीटर, ये आपको पता है। तो 3 लीटर का क्या आएगा, 3 इंटू 1000 मीन्स 3000 मिलीलीटर। अब देखो दोनों हमने मिलीलीटर में कर लिया, अब इनके एडिशन करेंगे। 3000 मिलीलीटर प्लस 450 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितने होंगे, 3450 मिलीलीटर। ये भी आपको प्रॉपरली नोटबुक में सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट, 3 केजी 50 ग्राम इंटू ग्राम्स, सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 3 किलोग्राम मीन्स कितना होगा 3000 ग्राम प्लस ये 50 ग्राम, तो कितना होगा 3050 ग्राम। ओके, देन नेक्स्ट, कंप्लीट द बिल एंड फाइंड द टोटल अमाउंट। अब देखो यहाँ पे आइटम दिए, बैट बॉल कैप और हर एक आइटम की कितनी कीमत है ये भी यहाँ पे दी है और क्वांटिटी भी दी है, तो हमें प्राइस निकालनी है। तो एक बैट मिलती है 120 को, क्वांटिटी एक की लेनी है तो हम उसको 120 रुपीज ही देंगे। बॉल हमें 2 लेने हैं तो एक बॉल के हो गए 65, तो 2 बॉल्स के हम कितने देंगे 65 प्लस 65, तो कितने हुए 130। ओके, देन कैप 30 रुपीज की एक है तो हमें 3 कैप्स लेनी है, सो 30 प्लस 30 प्लस 30, तो कितने हो गए 90। ओके, और टोटल कितनी होगी 340। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, प्रैक्टिस शीट 1 और प्रैक्टिस शीट 2 सॉल्व किया। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको भी ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 173 और 74 पे प्रॉपरली फिलअप करना है। साथ में ये दोनों प्रैक्टिस शीट आपको आपकी नोटबुक में प्रॉपरली लिखने हैं, राइट करने हैं, और ये जो एग्जांपल्स है ना कन्वर्जन के वो भी प्रॉपरली सॉल्व करने हैं। मैंने आपको हिंट तो दे दिया है ना स्टूडेंट्स। चलो आपको मैथ्स का स्टडी अच्छे से करना है, नोटबुक अच्छे से मेंटेन करके रखनी है, टेबल्स लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।